जेड टूल्स मिलने वाले हैं, सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे भैया से एक एक करके प्राइस पता करेंगे। हथौड़ियाँ मिल जाएंगी भाई, हथौड़िया का प्राइस पता करेंगे भाई। इस टाइप की हथौड़ी रहने वाली है, और ये कुछ इस टाइप की है भाई। ये देखो भाई, ये रबड़ वाली है भाई, प्लास्टिक वाली रेंज में मिल जाएगी। इसमें आपको ग्रिप भी मिल जाती है ये वाली, इस टाइप की आपको हथौड़ियाँ यहाँ पे की रेंज में आपको इनके पास प्लास की वरायटी मिल जाएगी। ये वाला 80 रुपये का, ये वाला 80 रुपये की काफ़ी, ये वाला सबसे अच्छी क्वालिटी वाला प्लास है भाई। ये देखो भाई, इस टाइप का प्लास रेंज रहता है भैया जी, 12 इंच होता है 180 रुपये, 12 इंच 180 रुपये। और ये वाला 12 इंच ही है, ये 100 रुपये की प्राइस रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा भाई। ये देख लो, सारे साइज़ आपको यहाँ पे इसमें सारे पेशकस मिल जाएंगे आपको। देख लो भाई, इस टाइप की पैकिंग रहने वाली है, सब अलग अलग है। ये देखो, जो मर्जी लगा लो करके अपना खोल दो। ये देख सकते हो भाई, इस टाइप का ये अच्छा डोर बेल भी मिल जाएगी इनके पास। ये देख सकते हो भाई, डोर बेल लेना चाहते हो तो डोर ये मिल जाएगा भाई, टाके वाके लगाने के लिए होता है भाई, ये मिल जाएगा। पेशकस वगैरह है क्या भाई? अच्छा, गोटी वोटी के साथ है। ये किस प्राइसिंग में होगा? लकड़ी में वो जो करते हैं पिन वगैरह, ठीक है। स्टेपलर मशीन, वुडन की स्टेपलर मशीन जो होती है भाई, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया हूँ लाजपत राय की टूल मार्केट में। मेरे पीछे देख सकते हो लाजपत राय की टूल मार्केट, तो अंदर चलेंगे और पता करेंगे प्राइसिंग क्या क्या रहने वाली है, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको लाल किला का पड़ेगा, लाल किला से आप बाय वॉक इस मार्केट में भाई आ सकते हो। तो अंदर चलते हैं भाई और देखते हैं यहाँ की वैरायटी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अंदर चलते हैं भाई और दिखाते हैं आपको यहाँ की वैरायटी। आज मैं अगेन आ गया हूँ टूल मार्केट में, लाजपत राय मार्केट में। यहाँ की मैंने पहले भी वीडियो बनाई है भाई, ये देख लो भाई, यहाँ पे आपको ए टू जेड टूल्स मिलने वाले हैं, सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे भैया से एक एक करके प्राइस पता करेंगे। ये देख सकते हो, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको भाई, कौन कौन से टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं भाई। ये देख लो, यहाँ पे ड्रिल मशीन से लेकर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होने वाली हैं भाई। ये देख लो भाई, जितने भी आप टूल्स देख रहे हो आपके सामने, इस सारी वैरायटी में आपको इनके पास टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे भैया से। प्राइसिंग पता करेंगे भाई एक एक करके, भैया के पास थोड़े कस्टमर हैं तो उनको पहले कस्टमर अटेंड करने देते हैं, उसके बाद इनसे प्राइसिंग पता करेंगे भाई। ये देख लो भाई, इस टाइप की आपको हथौड़ियाँ मिल जाएंगी भाई, हथौड़िया का प्राइस पता करेंगे भाई। इस टाइप की हथौड़ी रहने वाली है, ये देख लो भाई। भैया किस प्राइस की होती है ये? भैया 100 रुपये का ही है। 100 रुपये की प्राइस रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी भाई, ठीक है। ये इस टाइप की आपको हथौड़ी मिल जाएगी, और ये कुछ इस टाइप की है भाई। ये देखो भाई, ये रबड़ वाली है भाई, प्लास्टिक वाली, ये भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है भाई। ये किस प्राइस में होती है भाई? 110। ये वाली 110 रुपये की रेंज में मिल जाएगी आपको। अच्छा भैया, ये वाली हथौड़ी जो है किस काम आती है? ये हल्के फुल्के चोट कर जैसे पंखे का वाइंडिंग करता है उसमें। अच्छा अच्छा, ये हल्के काम के लिए होती है भाई। ये देख लो भाई, ये रबड़ का है, और ये जो है इसका हैंडल ये है प्लास्टिक में। ये आपको 110 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अच्छा भैया, इसमें कुछ कम भी हो सकता है प्राइस, जगह कोई लेने आता है तो? फिक्स होगा, फिक्स प्राइस रहेगा भाई, ठीक है। 110 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। बाकी एक ये वाली हथौड़ी यहाँ पे स्टील वाली, ये भी पता करते हैं भैया जी, एक इस प्राइस में होती है ये वाली 100 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगी। इसमें आपको ग्रिप भी मिल जाती है ये वाली, इस टाइप की आपको हथौड़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी भाई। बाकी इनके पास वैरायटी में बहुत सारे टूल्स वगैरह हैं, एक एक करके पता करेंगे। प्लास के प्राइस क्या करेंगे भाई? भैया ये प्लास का क्या प्राइस रहता है? प्लास का 50 से स्टार्टिंग है, 50 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट कहाँ तक जाएगी? 250 रुपये, 250 रुपये तक की रेंज में आपको इनके पास प्लास की वैरायटी मिल जाएगी। ये वाला 80 रुपये का, ये वाला 80 रुपये की प्राइस रेंज में, ये वाला 50 वाला है, ये वाला 60 का है, ये 70 का, ये छोटा वाला 50 का है, ठीक है। और ये वाला जो बड़ा है इससे, ये वाला 60 रुपये की रेंज में है भाई, ठीक है भाई। इस टाइप की आपको प्लास की वैरायटी मिल जाएगी भाई, 50 रुपये से स्टार्ट हो जाती है इनकी, और क्या नाम है, 250 रुपये तक की आपको प्लास की वैरायटी इनके पास देखने को मिल जाती है भाई। ये देखो भाई, एक ये काफ़ी, ये वाला सबसे अच्छी क्वालिटी वाला प्लास है भाई। ये देखो भाई, इस टाइप का प्लास रहने वाला, ये 250 रुपये की प्राइस रेंज में। भैया इसमें कुछ कम हो सकता है? एक ही रेट होता है, एक ही रेट होगा भाई, मतलब मार्केट से तो सस्ता ही मिल रहा है यहाँ पे, सस्ता ही, बिल्कुल सस्ता मिल रहा है। अच्छा भैया, नॉर्मल मार्केट में लेने जाते तो कितने का मिलेगा ये प्लास? ये 280 से कम का नहीं है, 280-300 रुपये तक की रेंज में मिलेगा भाई आपको यहाँ पे, ओनली 250 रुपये की प्राइस रेंज में मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये प्लास रहने वाला है भाई। आप ये देख सकते हो, इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है भाई, ओनली 250 रुपये की प्राइस रेंज में आपको इनके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। इस टाइप की आपको प्लास की वैरायटी मिल जाएगी। और ये भाई, इसको क्या बोलते हैं, पाइप रिंच ना? हाँ, पाइप रिंच मिल जाएंगे। इसका क्या प्राइस रहता है भैया जी? 12 इंच होता है 180 रुपये, 12 इंच 180 रुपये। और ये वाला, ये 12 इंच, 12 इंच ही है, ये 180 रुपये की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। और कितने इंच तक मिलते हैं आपके पास? 18 इंच तक आपको पाइप रिंच में मिल जाएंगे। 18 इंच वाले का क्या प्राइस रहता है? 14 इंच का 220 भाई। इस टाइप की आपको वैरायटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है भाई, ठीक है। बाकी इनके पास देखो, इस टाइप के
ये किस चीज़ के लिए होता है अभी? 40-45 अच्छा ठीक है, ये किस प्राइसिंग में होता है? 120 ये वाला आपको 120 रुपए की प्राइस रेंज में अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे ग्लोगन वगैरह भी है भाई, ग्लोगन चाहिए तो आपने, ग्लोगन का क्या होता है भैया प्राइस? 40 वाट 120 60 वाट 150 100 वाट 200 ये 60 वाट का कितना बताया? 150 रुपए की प्राइस में 60 वाट की मिल जाएगी। और कितने वाट तक की रहती है आपके पास? 100 वाट तक की आपको इनके पास अवेलेबल हो जाएगी भाई, ठीक है। बाकी इनके पास वैरायटी में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं भाई। और ड्रिल मशीन का क्या प्राइस रहता है भैया आपकी? 600 रुपये से स्टार्ट हो जाती है भाई, ठीक है। ड्रिल मशीन भी इनके पास अवेलेबल हो जाती है। ये दिखा रहे थे भैया, ये क्या? ट्रिमर भी मिल जाएंगे भैया के पास। भैया ट्रिमर का क्या प्राइस है? 200 से स्टार्टिंग है भाई, 200 से स्टार्टिंग है। ये किस प्राइस का है? 650 तक है। ये एसटीसी का है, 3-in-1 है, 450 का। 450 रुपए की प्राइस रेंज में आपको एसटीसी का मिल जाएगा भाई। ये कंपनी का होगा? कंपनी का, ये 3-in-1 है भाई, ठीक है भाई। 450 बताया ना, 450 रुपए की प्राइस रेंज में मिल जाएगा भाई, ठीक है। नाक का भी, कान का भी, सबका कटेगा, सबका 3-in-1 है भाई। जिसका आपको काटने सारे बाल कट जाएंगे, नाक का भी है इसके अंदर, बियर्ड का तो होता ही है भाई, ठीक है। बाकी इनके पास और भी वैरायटी में ट्रिमर इनके पास देखने को मिल जाते हैं भाई, ठीक है। एक ये लगा हुआ, ये वाला किस प्राइस का है भैया जी? हाँ, नाइयों की दुकान पे ये रहता है ना भाई, आपने देखा होगा नाइयों की दुकान पे ये वाला ट्रिमर रहता है ज़्यादातर। ये 750 रुपये की प्राइस रेंज में, ये भी ओरिजिनल होगा? ओरिजिनल, ये भी ओरिजिनल रहने वाला है भाई, ठीक है। ये वाली वैरायटी आपको ट्रिमर की इनके पास अवेलेबल हो जाएगी। बाकी इनके पास भाई सीजर वगैरह भी हैं, ये देख लो, काफ़ी सारी वैरायटी में आपको मिल जाएंगी, ये देख सकते हो भाई। और भैया ये क्या नाम है, पेचकस का क्या क्या प्राइस रहता है? 20 रुपये से स्टार्टिंग है। 20 रुपये वाला कौन सा है? 20 वाला देखते हैं। ये देखो भाई, ये 20 रुपये की प्राइस रेंज में मात्र आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो भैया सबसे अच्छे वाला कितने का आएगा? ये मैग्नेटिक होता है भाई, ये 80 रुपये की प्राइस रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसका साइज़ भी बड़ा होने वाला है भाई, ठीक है। 50, 60, 70, 80 रुपये तक की रेंज में प्लस पेचकस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे भाई, ठीक है। और टेस्टर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। ये टेस्टर ही है ना, ये 10 रुपये की प्राइस रेंज में आपको टेस्टर भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी इनके पास बहुत सी वैरायटी में मिल जाते हैं भाई सामान। और भैया ये जो आपका सेट है पूरा, ये किस प्राइस में होता है? 212 चाबी होती है इसके अंदर। 200 रुपये की प्राइस रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा भाई। ये देख लो, सारे साइज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे भाई। 12 चाबी का सेट है पूरा, 200 रुपये की प्राइस रेंज में आपको ये मात्र यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। 200 रुपये का एक और दिखाया भैया ने, इसमें सारे पेचकस मिल जाएंगे आपको। देख लो भाई, इस टाइप की पैकिंग रहने वाली है। ओनली 100 रुपये की प्राइस रेंज में आपको पेचकस मिल जाएगा। इसके अंदर सारे साइज़ रहेंगे, सारे साइज़ रहेंगे, मात्र 100 रुपये की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर टेस्टर भी रहने वाला है भाई, ठीक है। ये देखो, ये लो भाई, टेस्टर भी है इसके अंदर। ये सारी एक ही इसमें मिल जाएगा आपको। ये वाला 100 रुपये का ना, 100 रुपये का पूरा टूल है। ये पूरा टूल मिलेगा आपको 100 रुपये की प्राइस रेंज में भाई, ठीक है। बाकी और देखेंगे भैया की वैरायटी, वैरायटी में भैया के पास सारे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते। ये देखो भाई, इसको भैया ओपन करके दिखाना। ये देखो, जो मर्जी लगा लें करके अपना खोल भी दो। ये देख सकते हो भाई, इस टाइप का। ये किस प्राइस में होता है भैया? ये मोबाइल खोलने के लिए भी है। अच्छा, मोबाइल खोलने के लिए भी है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो भाई, मोबाइल खोलने के लिए भी है इसके अंदर। ये किस प्राइस में है भाई? 100 रुपये का ये भी है। ये भी 100 रुपये की मात्र प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी और देखते हैं भाई। अच्छा, डोरबेल भी मिल जाएगी इनके पास। ये देख सकते हो भाई, डोरबेल लेना चाहते हो तो डोरबेल भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये किस प्राइस में है? 120 का है। 120 रुपये की मात्र आपको मिल जाएगी। इसमें एक सेल भी है भाई, ये देख लो, छोटा सा, इसमें सेल भी मिल जाएगा आपको। और इसमें बेल भी है, और इसमें जो साउंड आता है वो भी है। ओनली 120 रुपये की प्राइस रेंज में आपको डोर बेल यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। और भैया वो जो वाटर वाली होती है वो भी मिल जाती है आपके पास? वाटर वाली कितने की आती है? 100 रुपये का आता है, पानी की टंकी। हाँ, पानी की टंकी वाली जो होती है भाई, वो भी मिल जाएगी। वो आपको 100 रुपये की प्राइस रेंज में इनके पास अवेलेबल हो जाएगी भाई, ठीक है। बाकी एक भैया ने ये दिखाया, ये मिल जाएगा भाई, टाके वाके लगाने के लिए होता है भाई। ये मिल जाएगा, ये टाके लगाने के लिए ना भैया? हाँ, टाके लगाने के लिए। ये किस प्राइसिंग में है? 40 रुपये का। किस प्राइस का है? 70 रुपये का। 70 रुपये की प्राइस रेंज में। और भैया इससे कोई अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाएगा आपके पास? ये देखो, इससे अच्छी क्वालिटी वाला भी आपको मिल जाएगा भाई। ये किस प्राइस में होता है भैया? 120 रुपये का है। ये 120 रुपये की प्राइस रेंज में अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। इस टाइप की पैकिंग रहने वाली है, ये मिल जाएगा आपको ओनली 120 रुपये में। बाकी हल्की क्वालिटी का लेना है तो हल्की वाला ही मिल जाएगा। सीजर्स मिल जाएंगी, 50 रुपये का है पूरा,
₹50 में आपको दो सीज़र यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। बाकी वैरायटी इनके पास और भी है सीज़र में, इससे अच्छी क्वालिटी वाली भी होती है आपके पास? अच्छी क्वालिटी, इससे अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी। उसकी क्या प्राइसिंग रहती है? 160 की प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। बाकी इनके पास सारी वैरायटी में टूल्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई टूल्स नहीं होगा जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, सारे टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं भाई। ड्रिल मशीन जैसा कि मैंने बताया था आपको, और ये वाली ये क्या चीज़ अभी है जी? गोटी का सेट। गोटी का सेट मिल जाएगा, ये किस प्राइसिंग में होगा भाई? 1500 की प्राइस रेंज में आपको गोटी का सेट मिल जाएगा। इसमें 32 पीस होने वाले हैं, 8 से 32 तक के मिल जाएगा। 8 वाला किस प्राइस का होता है? 8 से 32 साइज, ठीक है। ये कितने का बताया आपने? 1500 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा भाई। और ड्रिल मशीन आपके पास और भी अच्छी वैरायटी में मिल जाती है? सब मिलेगा। ये वाली कितने की बताई थी आपने? ये तो लेफ्ट दोनों साइड वाला है, दोनों साइड वाली है। ₹1000 का, ये 600 रुपये का। अच्छा, ये डबल साइड वाली ₹1000 की है, सिंगल वाली आपको मिल जाएगी 600 रुपये की प्राइस रेंज में भाई, ठीक है। ड्रिल मशीन की वैरायटी भी इनके पास अवेलेबल हो जाती है भाई। बाकी ये सारे टूल्स आपको इनकी शॉप पे अवेलेबल हो जाएंगे, ये वाले भैया और ये वाले भैया आपको कोई ना कोई यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा भाई, ठीक है। ये देखते हैं कि ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है भाई, ये किस काम आती है भैया जी? कूलर निकालने का होता है, बेयरिंग कूलर। अच्छा, बेयरिंग वेयरिंग के निकालने के लिए होता है भाई। ये किस प्राइसिंग में रहता है? इसमें इंच होता है 3 इंच का, 120 3 इंच का 120, 4 इंच का 150 रुपये, 6 इंच का 220, 6 इंच का 220। मतलब साइज़ आपके पास सारे मिल जाते हैं, हाँ। साइज़ आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे इनके पास, ठीक है। एक ये चीज़ और देख लेते हैं भाई, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये भी पेचकस वगैरह है क्या भाई? अच्छा, गोटी वोटी के साथ है। ये किस प्राइसिंग में होगा भाई? 150 रुपये की प्राइस रेंज में होगा, और ये अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है भाई। आप ये देख लो, मैं थोड़ा आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ भाई, इस टाइप का ये रहने वाला है। ओनली 150 रुपये की प्राइस रेंज में आपको ये अवेलेबल होने वाला है। पैकिंग कुछ इस तरह की रहती है भाई इसकी, ठीक है। ये सारी वैरायटी में आपको टूल्स इनकी शॉप पर अवेलेबल हो जाते हैं। भैया शॉप नंबर क्या रहेगा आपकी? सामने। ये क्या चीज़ है? अच्छा, लकड़ी में वो जो करते हैं पिन वगैरह, ठीक है। स्टेपलर मशीन, वुडन की स्टेपलर मशीन जो होती है भाई, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये किस प्राइसिंग में रहती है भैया जी? ये 350 रुपये में, और काफ़ी हैवी है भाई, ये कोई नॉर्मल क्वालिटी वाली नहीं रहने वाली है, हैवी क्वालिटी की रहने वाली है। 350 रुपये की मात्र प्राइस रेंज में आपको ये चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बाकी इनके पास बहुत से आइटम है भाई, आप जब विजिट करोगे तो आपको ये और अच्छे से दिखा पाएंगे भाई, ठीक है। भैया का शॉप नंबर पता करते हैं। भैया शॉप नंबर क्या बता रहे थे आप? स्टॉल नंबर 36 के सामने। स्टॉल नंबर 36 के सामने। डेली आप यहीं लगाते हो? डेली खुलती है आपकी शॉप? डेली खुलती है। भैया का मैं विजिटिंग कार्ड दिखा देता हूँ आपको, ये लो भाई, ये रहने वाला है भैया का विजिटिंग कार्ड। नीचे शॉप नंबर है भाई, आप अगर विजिट करना चाहते हो विजिट कर सकते हो। बाकी इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर इनसे कॉल करके भी इनसे पता कर सकते हो आपको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो भाई, ठीक है। ये सारी वैरायटी में आपको टूल्स इन भैया के पास अवेलेबल हो जाएंगे, और एक ये वाले भैया भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो भाई ये थी टूल्स की वीडियो लाजपत राय की। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको इसी तरह किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।